जुड़ गए हैं सर। ये जो पल है, जो नीरज चोपड़ा की बदौलत आज देश को देखने को मिल रहा है, भारत की झोली में एक गोल्ड, कैसे आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं ये कहूंगा कि 7 अगस्त 2021 जो है हमारे देश के लिए एक गोल्डन डे है, क्योंकि हमारे गोल्डन बॉय ने जी आज हमें गोल्ड मेडल दिलवाया है, जिसकी हमने कल्पना सपने में भी नहीं की थी। हमें आशा थी कि हमें हॉकी में मिल सकता है या हमें रेसलिंग में मिल सकता है, इसका तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जेवलिन थ्रो में, जहां पे इतने दिग्गज खिलाड़ी दुनिया भर के जो कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं जो हैं मुहैया हैं, उनके मुकाबले में, और जो हमसे शारीरिक तौर से हमसे लंबे भी हैं, हमसे चौड़े भी हैं, बहुत बलशाली हैं, तो ये मुकाबला जो है ये मैं शुरू से देख रहा था, तो मुझे एक बात महसूस हुई कि नीरज चोपड़ा इतने फोकस थे और इतना शुरू से उनमें आत्मविश्वास था। अक्सर कैसा होता है कि ऐसे मुकाबलों में आप मानसिक तौर पे थोड़े से हिल जाते हैं जब मुकाबला इतना कड़ा होता है, लेकिन जरा भी मैंने उनमें कोई टेंशन नहीं देखी, कोई तनाव नहीं देखा। तो जो हमारा 100 साल का सपना था कि एथलेटिक्स में हमें इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिले, आज वो सपना जो है नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया है। हमें गर्व है, हमारा सर, हमारा सीना जो है चौड़ा हो गया है, हमारा सर ऊंचा हो गया है, और जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत नौजवान, बहुत बच्चे उनसे प्रेरित होंगे, और मैं समझता हूं कि एक स्वर्ण पदक जीतने की उन्होंने एक शुरुआत की है, और अब ऊपर वाले ने चाहा तो स्वर्ण पदक अब हमारे पास आते रहेंगे। बिल्कुल, ये एक शुरुआत हो गई है इस ओलंपिक में। शुक्रिया।